गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आपकी ईशा आपके लिए वन वीक चैलेंज लेकर आई है। किस चीज के लिए? आपके टमी को फ्लैटन करने के लिए। मैं आपके लिए इतनी सिंपल एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वन वीक में आपका लटकता हुआ पेट बिल्कुल स्क्वीज आउट हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जैक्टली मेरे बताए हुए तरीके से फॉलो करना होगा, उतने ही रिपीटेशन करनी होगी, उतने ही सेट्स करने होंगे, राइट? और साथ में अपनी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। डाइट इन द सेंस भूखे नहीं रहना, डाइटिंग नहीं करनी, बट हाँ शुगर फूड, ज्यादा नमक वाले, ज्यादा फ्राइड फूड, बाहर का जितना भी जंक फूड है, इनको अपने डेली रूटीन में से बिल्कुल कट कर देना है, ठीक है? शुगर मतलब सिंगल स्पून भी आपने इस वन वीक में इंटेक नहीं करनी है, क्योंकि शुगर इंटेक करने से ना कि सिर्फ आपका फैट बढ़ता है बल्कि आपके स्किन पर भी एजिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthtime, ठीक है? और वीडियो इतना पसंद आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना यार। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पे इस तरीके से बैठ जाना है, राइट? अपने हैंड्स को आपने पीछे की तरफ सपोर्ट लेना है, देन उसके बाद आपने अपनी वन लेग को ऊपर करते हुए क्लैप करना है, अदर लेग को। आपको बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है, बिल्कुल फास्ट फास्ट आपको इस तरीके से अपनी लेग्स को मूव करते हुए, अपने बॉडी को पीछे बैलेंस करते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आपको करना है इसको 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स, राइट? तो चलिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप हैंड को इस तरीके से बैक पे प्लेस करें, आपकी पोजीशन यही रहेगी, ठीक है? आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को और अपने लेग्स को आगे लेकर आना है, देन फिर बैक लेकर जाना है। कैसे करना है, सेम एज इट इज, मुझे फॉलो करिए। टोज आपके डाउन रहेंगे, ठीक है? बॉडी आगे हो गई, लेग्स पीछे, बॉडी आपकी बैक साइड पे। तो इसको आपको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। जब आप अपनी लेग्स को डाउन लेके जा रहे हैं तो ब्रीथ इन, और जब अप लेकर आ रहे हैं दोनों लेग्स को तो ब्रीथ आउट, ठीक है? और मेक श्योर पेट को आपने स्क्वीज करके रखना है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए सेम आपने यही पोजीशन लेनी है, लेकिन हमने अपनी लेग्स को साइड पे लेके जाना है। पहले हमें राइट साइड करना है, उसके बाद हमें लेफ्ट साइड परफॉर्म करना है। मैं आपको वन साइड करके दिखाऊंगी, लेकिन आपने इसको बोथ साइड परफॉर्म करना है, राइट? आपको इस एक्सरसाइज को करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। ये आपके टमी को स्क्वीज करेगा, साथ में आपके जो साइड फैट है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। तो चलिए परफॉर्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। रिलैक्स, यहाँ पर आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पर पीठ के बल लेट जाना है, और उसके बाद में अपने हैंड्स को आपने बिल्कुल पीछे लेकर जाना है, स्ट्रेट करना। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं, आप स्ट्रेट कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद अपनी बॉडी को पूरा ऊपर लिफ्ट करते हुए हमने वन लेग के अंदर क्लैप करना है। कैसे, मुझे फॉलो करते जाइए। डाउन, अप, ब्रीथ आउट, ऊपर आते टाइम, नीचे आते टाइम ब्रीथ इन, 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। रिलैक्स, डन। यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल लेट जाइए, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है और साइड में ट्विस्ट करना है। कैसे, मुझे फॉलो करिए। हैंड्स को पीछे लेकर जाइए, देन आपने ऑपोजिट लेग को यानी अपने राइट लेग को ऊपर करना है। ए
ऐसे ही आपने 20 टाइम्स करना है राइट साइड, 20 टाइम्स आपने करना है लेफ्ट साइड, और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। तो चलिए एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। जब आप ऊपर लेकर आने अपनी बॉडी को तो आपने ब्रीथ आउट करना है, जब डाउन जाएंगे तो ब्रीथ इन करना है। रिलैक्स, यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने पीठ के बल मैट पर लेट जाना है, अपनी लेग्स को इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपनी हाफ बॉडी को, मतलब इतनी पोर्शन को शोल्डर तक को आपने अप रखना है, अपने हैंड्स को ऐसे फ्लाई करना है, पेट को अंदर टक करके रखना है और ब्रीथ आपको होल्ड, देन नीचे जाएगा आपका हैंड, ऊपर आएगा तो ब्रीथ आउट, नीचे जाएगा तो ब्रीथ इन। 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। तो चलिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। आपकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपनी लेग्स को अप करके रखना है और अपने टोस टच करने का ट्राई करना है, ठीक है, 20 टाइम्स। जब आप ऊपर आएंगे तो ब्रीथ आउट, नीचे आएंगे तो ब्रीथ इन, और उसके करने हैं आपको 2 सेट्स। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है मैट पर, राइट। उसके बाद अपने हैंड्स को अपने पीछे लॉक करना है और अपने राइट एल्बो से आपने लेफ्ट नी को टच करना है, देन बैक अगेन टच, फिर ऑपोजिट साइड टच, और इसको ऐसे फ्लाई करना है अपनी लेग्स को और बॉडी को मूव करना है। इस टाइम पे जब आपकी लेग्स ऊपर आएंगी, आपकी बॉडी आगे जाएगी तो ब्रीथ आउट, बैक जाएगी तो ब्रीथ इन। हर एक्सरसाइज में टमी की आपने पेट को अंदर स्क्वीज करके रखना है, जितना आप अच्छे से अपने कोर मसल को एंगेज करेंगे उतना ही कम एक्सरसाइज में आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन वाला वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। तो बस पसंद आने के लिए लाइक चिपका दो यार वीडियो को, और वीडियो को जमकर शेयर कर दो। ईशा आपके लिए हमेशा कुछ नया और बेहतर लाती रहेगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।